बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बनाऊँगी चिकन पैटीज। चिकन पैटीज की डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, जिसे मैंने छान लिया है। 3 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे मेल्टेड देसी घी। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक स्मूथ सी डो तैयार करेंगे। डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे घी और इसे रेस्ट कर देंगे। जितनी देर हमारी डो रेस्ट पर है, हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम 2 टेबलस्पून डाल देंगे कढ़ाई में ऑयल। कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे छोटी हुई प्याज। ये मैंने एक प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। इसे हम सिर्फ सोते ही करेंगे। अब हमारी प्याज सोते हो गई है, उसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। ये मैंने 2 चेस्ट के पीस लिए थे, इसे उबाल कर मैंने इसके रेशे कर लिए। हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे लहसुन पाउडर। चीज़ पाउडर डाल देंगे 1/3 टीस्पून। चिकन पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। फिर पाउडर डाल देंगे इसमें 1/3 टीस्पून। 1/3 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। 1/3 टीस्पून इसमें डाल देंगे कूटा हुआ साबुत धनिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और 1 हम दरमियाने साइज़ की चॉप की भी डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। एक कप हम इसके अंदर डाल देंगे दूध और इसे 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमारा चिकन हो गया तैयार। फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे ठंडा। अब हमारे पैटीज की डो हो गई है तैयार और चिकन भी हमारा हो गया ठंडा। मैंने लिया था 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून मैंने लिया था घी और उसकी मैंने एक लई सी तैयार कर ली है। अब हम इस डो के कर लेंगे छोटे छोटे से पेड़े तैयार। और अब हम इसे लंबाई में बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे लई। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा मैदा और इसे इस तरह से रोल करेंगे। अब हम इसे बीच में से काट लेंगे। हल्का सा इसे दबाएंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। अब हम इसे साइडों से इस तरह से काट लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन की स्टफिंग। चारों साइडों पर लगा देंगे हम पानी। इस तरह से इसे कर देंगे हम बंद। कांटे से लगा देंगे हम इसकी साइडों पर ऐसे निशान ताकि ये बंद हो जाए। अब सारे पैटीज में ऐसे ही तैयार कर लूँगी। अब हमारे पैटीज हो गए हैं तैयार और उधर हमारा घी भी हो गया गरम। और पैटीज डाल देंगे हम घी के अंदर और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा डालते जाएंगे ऑयल। अब हमारे चिकन पैटीज होकर हैं तैयार। इसे हम निकाल लेंगे।
अब हमारे चिकन पैटीज बनकर हो गई हैं तैयार। आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।